धर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे, यह तो आपके हाथ में ही है। सारा जहां है उसका जो मुस्कुराना सीख ले, रोशनी है उसकी जो समा जलाना सीख ले। हर गली में है मंदिर, हर राह में मस्जिद है, पर ईश्वर है उसका जो सर झुकाना सीख ले। उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। कर्म के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। हर किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि केवल रंग एक जैसा हो जाने से सोने और पीतल का मूल्य एक जैसा नहीं हो जाता। थोड़ा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज़्यादा झुक कर मिलो तो दुनिया पीठ का पायदान बना देती है। शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए साहब, क्योंकि छोटा सा हाँ और छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देता है। कड़वा तो लगेगा पर हकीकत है दोस्त। आज के दौर में लोग औकात देखकर ही ताल्लुक रखते हैं। घमंड के अंदर बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। जब अपने ही शामिल होते हैं दुश्मनों की चाल में, तो फिर शेर भी फंस जाता है कुत्तों के बिछाए जाल में। बहुत बार हम धागे ही इतने कमज़ोर चुन लेते हैं कि पूरी जिंदगी ही गांठ बांधने में गुजर जाती है। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग अलग होता है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कर्म अच्छे होंगे तो हमेशा याद रहोगे, दिलों में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। याद रखना, अगर बूढ़े लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। पैसों में बहुत गर्मी होती है, और सबसे पहले ये रिश्ते जलाकर राख कर देता है। सच सूरज की तरह होता है, आप उस पर कुछ देर तक ही पर्दा डाल सकते हैं, पर वह कहीं नहीं जाने वाला होता। मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। किस्मत से फैसले नहीं बदलते, लेकिन फैसले से एक दिन किस्मत जरूर बदल जाती है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। सबको गिला है, बहुत कम मिला है। ज़रा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उसका बेहतर जवाब देगा। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। रुतबा हमेशा बरकरार रखिए जनाब, गुजारने वाले दिन या रात नहीं देखते। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हैं तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। घर में अगर कोई बूढ़ा है तो उसे भार की बजाय भाग्य समझिए, क्योंकि बूढ़ा पेड़ फल दे या ना दे, पर छाया जरूर देता है। जिस व्यक्ति को आपके रिश्ते की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अकेले खड़ा रहना अच्छा है। लहजे में बदजुबानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं
वह मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। लोगों ने बदलने में मौसम, वक्त और गिरगिट सबको पीछे छोड़ दिया है। न जाने फिर भी गिरगिट ही क्यों बदनाम है। आजकल दिखावे का दौर चल रहा है, इसलिए लोग खुश रहने की बजाय अपनी खुशी भी दिखाने में लगे हैं। पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, अब आत्मा ही मर गई है और लोग भटक रहे हैं। लोगों का क्या, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकता है और घी में गिरे तो मक्खी फेंकता है। हर बात दिल पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहें। बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हानि नहीं, हानि भी दे सकते हैं।